सो वेलकम बैक। तो यहाँ पे गाइस मैंने आज स्पेशली अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से कुछ यूजफुल गैजेट्स मैंने परचेस किए हैं, जो कि नियरली जितने भी सारे गैजेट्स आपको दिख रहे हैं ये 25,000 रुपीज के नियर बाय में ये चारों के चार पूरे इतने सारे गैजेट्स हैं। इन सारे गैजेट्स को आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ और यहाँ पर रिव्यू करेंगे इन सारे बॉक्स के अंदर में क्या है। ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज के नियर बाय में मैंने इन पांच टोटल जितने भी सारे सात आठ गैजेट्स को मैंने परचेस किया है। ये सारे के सारे एक यूजफुल गैजेट है एंड यहाँ पर वन बाय वन इन सारे गैजेट्स को ओपन करते हैं। इसे मैंने Amazon प्लस Flipkart इन दोनों प्लेटफॉर्म से मैंने इन सारे गैजेट्स को मंगाए हैं। तो वन बाय वन इन सारे गैजेट्स को ओपन करते हैं एंड रिव्यू करते हैं कि क्या है इस गैजेट्स में और इनमें से कौन सा गैजेट आप यूज कर सकते हो Flipkart और Amazon से। वैसे तो और भी कई सारे गैजेट्स मैंने ऑर्डर दिए बट ये है जो भी मेरे पास। तो ना ये है हमारा सबसे पहला गैजेट और मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता इसके अंदर क्या है बिकॉज सारे मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर किए थे। तो ये है फर्स्ट गैजेट। ओके तो मुझे समझ में आ गया क्या है ये। तो ये है हमारा मेरा सबसे फेवरेट गैजेट जिसका नाम है क्राउलिंग क्रैप और ये बेसिकली एक फन टाइप का टॉय है जिसको आप जैसे इसका बटन आप ऑन करोगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्राउलिंग करते रहेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ से वहाँ भागते रहेगा ये। तो ये सेल के साथ नहीं आता है, इसके साथ में आता है ये एक चार्जिंग केबल। वैसे इसके रिलेटेड मुझे एक सेपरेटली टॉपिक कवर करना होगा बिकॉज ये बहुत ही फन टाइप का है तो मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बट यहाँ पे शॉर्ट वे में कहूंगा कि इसके साथ में एक चार्जर आता है और इसको आप यहाँ पे प्रेस करके चार्ज कर सकते हो। ये सिंपल सा जो है बटन आपको इस पे इसके अंदर प्रेस करना है एंड उसके बाद आप इसको अपने मोबाइल के एडेप्टर से डायरेक्टली प्लग करके चार्ज कर सकते हो। और ये अगर आप इसको 30 मिनट्स चार्ज करोगे तो ये इजिली 45 to 1 hour तक ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, यानी कि चालू रहेगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है एंड इसको जैसे आप ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह का साउंड प्ले करेगा और उसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से वहाँ भागते रहेगा। तो लेट्स मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ एंड ये ऑटोमेटिकली यहाँ से वहाँ रन करेगा। अबे कहाँ भाग रहा है, अबे नीचे चला गया। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कितना फन टाइप का ये टॉय है और बेसिकली इसका यूज़ हर एज के लोग कर सकते हैं एज अ फन टाइप है, स्पेशली स्मॉल किड्स इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इवन मैं भी इसका यूज़ करने वाला हूँ इसलिए मैंने इसे परचेस किया है। तो इसका जो प्राइस है नियरली गाइस ये ऑलमोस्ट आपको 1000 रुपये के रेंज में मिल जाएगा बिकॉज इसका प्राइस 800 to 1000 के बीच में फ्लक्चुएट होता है। तो मैक्स टू मैक्स ये आपको 1000 रुपीज़ के अंदर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। मुझे मैंने जो इसे परचेस किया है अभी जो प्राइस था ये मैंने इसको 900 रुपीज़ में परचेस किया है अमेजोन से। तो अब आ रही है यहाँ पर सेकंड गैजेट को अनबॉक्स करने की एंड इसके अंदर भी क्या है वो भी चेक करते हैं। ओके तो ये है मैंने एक परचेस किया है ये मोबाइल और ये जो मोबाइल है गाइस ये 20,000 रुपये का यानी कि 20,000 रुपीज़ का ये मोबाइल है। इन्फिनिक्स की तरफ से अभी लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स GT10 Pro वाला स्मार्टफोन जो कि है 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट। इसके रिलेटेड भी मैं एक सेपरेट और डिफरेंट वीडियो कवर करूंगा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके। फिलहाल यहाँ पर मैंने अभी इसको परचेस किया है तो ओवरऑली मैं इसका लुक आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो स्मार्टफोन है 20,000 रुपीज़ का एक गेमिंग स्मार्टफोन है जो कि काफी अच्छे प्रोसेसर के साथ में आता है। 5000 एमएच की बैटरी है, 45 वाट का चार्जर आता है, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा आता है और यहां पर आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले का जो साइज है वो है 6.67 इंच का डिस्प्ले है। तो इसके बॉक्स को यहां पर मैं लिटिल बिट और ओपन करता हूं एंड जैसे आप इसको अनबॉक्स करते हो तो इसके अंदर यहां पर एक बैक केस आता है जिसको साइड में रखते हैं एंड ये है हमारा मेन स्मार्टफोन जो कि इन्फिनिक्स का GT10 Pro वाला स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन 20,000 रुपीज का और इसका अगर आप ओवरऑल बैक साइड का लुक देखें तो ये इंस्पायर्ड है नथिंग फोन से बिकॉज पूरा ऑलमोस्ट आपको नथिंग फोन का डिजाइन है आपको दिखता है बैक साइड से सेम वैसा का वैसा इसका डिजाइन है। लेकिन काफी इसको आप कॉपी नहीं कह सकते, इसको आप इंस्पायर्ड कह सकते हो बिकॉज नथिंग फोन का इसने पूरा कॉपी नहीं किया, थोड़ा अपनी भी क्रिएटिविटी को इसमें इन्फिनिक्स ने ऐड किया है। एंड देन इसके बाद इसमें एक टेम्पर्ड ग्लास आता है, 45 वॉट का चार्जर आता है जिससे जो स्मार्टफोन है 55 minutes to 1 hour के बीच में 100% चार्ज हो जाता है। इस स्मार्टफोन को मैंने इसलिए परचेस किया बिकॉज मैं एक गेमर पर्सन, मुझे गेम खेलना पसंद है और मेरा अभी का जो बजट था 20,000 रुपीस के रेंज में मैं एक स्मार्टफोन देख रहा था तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा। और इन्फिनिक्स मेरा फेवरेट ब्रांड है, मैं काफ़ी टाइम मेरे और भी कई सारे स्मार्टफोन है मेरे पास तो मोस्टली मेरे पास इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन है और इसे मैंने इसलिए परचेस किया ताकि मैं इसमें गेम को प्ले कर सकूँ। यहाँ पे मैं डिटेल में इसके रिलेटेड मैं डिटेल में अलग टॉपिक कवर करूँगा जिसमें आपको डिटेल में स्मार्टफोन के सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशन अंदर के सारे फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल यहाँ पर मैं इसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो अभी बारी है यहाँ पर हमारा थर्ड यूजफुल गैजेट जिसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है और ये भी एक तरीके से मेरा फेवरेट गैजेट है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सेम उसी की तरह ही है। लेकिन ये है, पहले जो मैंने आपको बताया था वो क्राउलिंग क्रैप था, ये है क्राउलिंग
ऑक्टोपस, सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट गैजेट बताया था। और इसका जैसे आप ओपन करते हो तो यहाँ पर जो है हमारा एक अंदर से क्राउलिंग ऑक्टोपस निकलता है और इसका लुक आपको ऐसा देखने को मिलता है। ये भी एक चार्जिंग केबल के साथ में आता है तो इसको आपको चार्ज करना पड़ता है। 30 मिनट चार्ज करने पर यह ईजिली आपको 45 मिनट्स का बैकअप देता है, 45 मिनट्स इसको आप यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ में आपको यहाँ पर केबल आता है जिसको आप यहाँ पर प्लग करके डायरेक्टली इसको चार्ज कर सकते हो, इसके साथ में कोई भी सेल नहीं आता है, ये चार्जेबल है। और देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिससे जैसे आप ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। फिलहाल अभी ये चार्ज नहीं है तो इसको मैं थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ। सो नाउ इसको मैंने चार्जिंग चार्ज कर दिया है एंड यहाँ पर मैं इसको चालू कर दिया। जैसे आप इसको यहाँ पे बटन दिया है ऑन करने के लिए एंड जैसे आप इसको चालू करते हो यहाँ पर ये इस तरीके से हिलने डुलने लगता है। और ये बेसिकली इसके बाद जब आप इसको यहाँ पर एकदम लादी वाले प्लेस पर आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से वॉक क्रॉलिंग करेगा। अब नीचे यहाँ पर मैंने कपड़ा यहाँ पर वॉक नहीं करेगा, बट लेट्स मैं आपको वॉक करता हूँ। अरे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, फिर से नीचे। सो देखो आपने कितना कूल टाइप का गैजेट है। यहाँ पर बस आपको एक बटन चालू करना है, जब भी आप इसको चालू करते हैं उसके बाद यहाँ पे साउंड और म्यूजिक आता है और म्यूजिक के बाद इसको बस इस तरीके से प्लेस कर देना है, ऑटोमेटिकली यहाँ से वहाँ भागते रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है फन टाइप का टॉय है और गैजेट है, एक तरीके से आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। बेसिकली मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। सो नाउ अभी आप ओपन करते हैं ये हमारा नेक्स्ट फोर्थ गैजेट जिसे मैंने स्पेशली फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। और ये गैजेट तो बहुत ही ज़रा अमेजिंग है, इट्स नेम इज़ टॉकिंग कैक्टस। यहाँ पर ये एक रिलैक्सिंग टाइप का गैजेट है और प्लस में ये जिस तरीके से एक टॉकिंग टॉम करके एप्लीकेशन आता है, जो हम बोलते हैं वो सामने टॉकिंग टॉम रिपीट करता है, सेम इसी तरीके से ये टॉकिंग कैक्टस है, जो भी आप बोलोगे अपने वॉइस में ये इसको रिकॉर्ड करके सेम वैसा ही रिपीट करेगा। तो यहाँ पर भी इसमें भी आपको कोई भी सेल नहीं आता है। इसके साथ में आपको मिलता है एक चार्जिंग केबल जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो एंड देन उसके बाद तो ये है इसके साथ में केबल आता है जिसको आपको चार्ज करना होता है। यहाँ पे सिंपल सा आपको इसके अंदर प्लस करना है और उसके बाद आप इसको मोबाइल के एडेप्टर से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर इसके साथ में एक बटन आता है जिसको आप जैसे ऑन करते हो उसके बाद इसका काम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैं जो भी बोलूँगा ये सेम उसको रिपीट करेगा। फिलहाल अभी इसको मैंने प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं किया है तो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये इसको रिपीट कर रहा है। कॉपी क्या कर रहा है? लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हेलो हेलो। तो अभी फिलहाल मैंने इसको प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं किया है, लेकिन जैसे आप इसको चार्ज करोगे तो उसके बाद जब इसका बैटरी फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉपर तरीके से कैप्चर करके आपको रिकॉर्ड करेगा। बट ये मेरा सबसे फेवरेट गैजेट है जो मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ और भी से बात है एक रिलैक्सिंग बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसमें आपको यहाँ पर दो तीन सॉन्ग को भी प्ले करता है। यहाँ पर आपको बटन मिलता है, यहाँ पर आप जैसे बटन को प्रेस करोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आप प्ले करेंगे। सो काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि मैं इसका टियर डन करूँ। इसको मैं पूरा अंदर से खोलूंगा एंड उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। लेकिन अगर आप कमेंट में बोलते हो कि इसका टियर डाउन करना है तो मैं इसका टियर डाउन करूँगा। सो बारी हमारे नेक्स्ट गैजेट जो कि मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और इस गैजेट का जो नाम है ये है हमारा टॉकिंग टॉम। तो पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो टॉकिंग कैक्टस था और ये है टॉकिंग टॉम। इसे मैंने स्पेशली फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और यहाँ पर ये भी सेम टू सेम वैसा ही बोलता है जो हम इसे रिपीट करते हैं, हमारी वॉइस को कैप्चर करके सेम वैसा ही रिकॉर्ड यानी कि रिपीट करता है। तो यहाँ पे बैक साइड में ये इसके साथ में कोई भी चार्जिंग केबल नहीं आता है, ये बेसिकली इसमें आपको सेल डालना पड़ता है और सेल डालने के बाद फिर इसको आप यहाँ पर सेल प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सेल लगने वाली है इसमें तीन सेल लगती है। तो जब आप स्टॉकिंग टॉम को परचेस करते हो तो इसके अंदर आपको कोई भी बैटरी सेल नहीं मिलती है तो आपको अलग से ही सेल को परचेस करना होगा। एंड देन इसके बाद इसमें जो सेल लगती है वो है बेसिकली डबल ए साइज की एवरेडी की जो सेल आती है ये आपको इसमें प्लेस करना। तो इस तरीके से आपको प्लेस करना, ये जो बैक साइड का पोज है ये आपको स्प्रिंग पर डालना है और यहाँ पर भी ये जो बैक साइड का पोज है ये आपको स्प्रिंग पर डालना है एंड देन उसके बाद इसे भी स्प्रिंग पर डालना है। उसके बाद आपको सिंपल सा बटन ऑन करना है। हेलो हाउ आर यू, लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किप। बट यस टॉकिंग टर्म के बेसिस पे ये जो है कि अगर आप जैसे इसको आप ऑन करते हो तो ये सेम टॉकिंग की यानी कि कैट के वॉइस में आपको रिपीट नहीं करता है, जो आप जैसी आपकी वॉइस है सेम वैसी ये रिपीट करता है। सो ये मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा बट वॉइस के हिसाब से। बट जिस तरीके से यहाँ पे टॉकिंग कैक्टस की अगर मैं बात करूँ तो वो जो है वो एक अलग ही साउंड में आपको रिपीट करता है जो कि थोड़ा फन टाइप का लगता है। तो ये मुझे एवरेज लगा। इसमें भी अगर चार्जिंग केबल आता तो ज़्यादा बेटर होता है, ये सेल के साथ में आता है, वो भी आपको सेल अलग टाइप से परचेस करना होता है। तो अब बारी यहाँ पर हमारे नेक्स्ट यानी कि थर्ड लास्ट गैजेट को ओपन करने की और इसे जो मैंने परचेस किया है अमेज़न से, ये एक मिनी
टॉर्च लाइट है जो कि एमरजेंसी रिचार्जेबल लाइट है एंड इसे भी मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसे परचेस किया है एज ए एमरजेंसी बेसिस पे। तो यहाँ पर ही आपको रेड कलर के और भी कलर्स मिलते हैं, ग्रीन में मिलता है बट मैंने इसे रेड कलर में परचेस किया है। ये टू इन वन टाइप का है, यहाँ पर आप इसको जैसे आप ऑन करोगे तो ये इस तरीके से चालू हो जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक बटन मिलता है जिसे आप इसे नीचे की तरफ प्रेस करते हो तो यहाँ का साइड का जो टॉर्च लाइट है वो चालू हो जाता है। मैंने इसको नाइट में भी प्ले किया है और नाइट में भी इसकी जो रोशनी है, जो लाइट है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और आपको एक तरीके से जो यूज़ करने के टाइम काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चार्ज इसमें कोई सेल नहीं आता तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिससे आप इसको रिचार्ज कर सकते हो। बस आपको प्लग में इसे इस तरीके से प्रेस करना है एंड देन इसके बाद आप इसको चार्ज कर सकते हो। 30 मिनट्स अगर आप चार्ज करोगे तो नियरली आपको 1 से 1.5 घंटे का बैकअप देगा बिकॉज 1600 mAh के बैटरी के साथ में आता है। तो आई थिंक अगर आप इसको 1 घंटे में चार्ज हो जाता है पूरा, 1 घंटे में अगर आप चार्ज करोगे तो आपको ईजिली 2 आवर्स या 2 आवर्स 30 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 3 घंटे के अंदर तक ही आपको बैटरी बैकअप देगा बिकॉज मैंने इसको यूज़ भी किया है। इसलिए इसके टेस्ट करने के बारे में आपको यहाँ पर इसके बारे में बता रहा हूँ। सो यार इसके बाद ही अपना नेक्स्ट गैजेट जिसे मैंने स्पेशली अमेजोन से परचेस किया और ये एक सेटिस्फाइंग क्रैब है, यानी कि इसको क्रैब नहीं बोल सकते, एक टाइप का कीड़ा है जो स्नेल इसको आप बोल सकते हैं बिकॉज इस तरीके से स्नेल ही जाता है एंड ये एक तरीके से एक रिलैक्सिंग वाला है जो मैं एज ए रिलैक्सिंग बेसिस पे यूज़ करने वाला बिकॉज इसकी जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। अगर आप इसको इस तरीके से क्रॉलिंग करो तो आपको साउंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग आ रहा होगा और कहीं ना कहीं इसको यानी कि स्टडी करने के टाइम या वर्क अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड जस्ट एक सेटिस्फाइंग चीज़ के लिए है, बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है बिकॉज इसके साउंड काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, नॉट बैड। इसे मैंने अमेज़न से परचेस किया। सो बारी है यहाँ पर ये फाइनल गैजेट जो कि है, ये भी एक तरीके का सेटिस्फाइंग पाइप है जिसे मैंने स्पेशली अमेज़न से परचेस किया है। इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, बस ये एक सेटिस्फाइंग माइंड को रिलैक्स करने के लिए एंड सेटिस्फाइंग करने के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको टोटल 5 पाइप मिलते हैं एंड इसे भी ओपन करते हो। बेसिकली इसका आप अलग अलग शेप में इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक छोटे शेप मिलता है, इसको आप जैसे ओपन करते हो तो एक सेटिस्फाइंग सा जो आवाज़ है रिलैक्सिंग वो आपको यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ये होता है एंड उसके बाद आप इसको इस तरीके से बंद भी कर सकते हो, ये इस तरीके से यहाँ से बंद हो जाता है। लेकिन इसका जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। तो इसमें आपको अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं लेकिन इसमें आप और भी पे कर सकते हो, आपको और भी पाइप्स मिलते हैं तो अलग अलग कैटेगरी मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग सी इसकी आवाज़ है राइट, और उसके बाद आप इसको इस तरीके से बंद कर सकते हो तो बंद हो जाती है, ऑटोमेटिकली छोड़ी हो जाती है और इसको इस तरीके से लॉक कर सकते हो। इसका जस्ट यूज़ यही है कि आप इसको हाथ में इस तरीके से प्रेस भी कर सकते हो, इसको लाइक दिस आप इसको बंद करके एज ए बर्थडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको बर्थडे में भी यूज़ करो तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बिकॉज सेम उसी के लिए है। अलग अलग इससे आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हो, किसी का नाम आप अगर आपको लिखना है तो आप इसका इससे आप किसी के नाम को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको अपने हाथ में इस तरीके से यूज़ किया वैसे आप अलग अलग चीज़ों से इसका यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसका इस तरीके से यूज़ किया 2 टैप का, लेकिन आप अलग अलग चीज़ों से इसका यूज़ कर सकते हैं एंड एज ए बर्थडे में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, काफ़ी सेटिस्फाइंग इसका आप यूज़ कर सकते हैं, परचेस कर सकते हो, ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा रिलैक्सिंग पाइप्स के नाम से, सेटिस्फाइंग पाइप्स आप इसको बोल सकते हो। तो गाइस ये थे जितने भी सारे गैजेट्स और जितने भी सारे अपने गैजेट देखे, ये सारे के सारे गैजेट मैंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। तो कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा गैजेट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा गैजेट आपको ज़्यादा यूजफुल लगा, कमेंट में जरूर बताना। वैसे और भी गैजेट्स के रिलेटेड अगर आप टॉपिक चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना और मैंने जो मोबाइल का मैंने बताया वो मोबाइल के रिलेटेड में एक सेपरेट टॉपिक कवर करूँगा और जो टॉकिंग एक्टर्स और जो टॉकिंग क्राउलिंग क्रैब है उसके रिलेटेड में एक सेपरेट टॉपिक कवर करने वाला हूँ।